हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ऐसे करता हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों दोस्तों जो नरेगा का जो एप्स है, NMMS जो है दोस्तों, नरेगा का जो अटेंडेंस हाजिरी लगाते हैं दोस्तों, उसमें जो है प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो उसका आज मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ दोस्तों। और इसमें जो आफ्टरनून फोटो जो होता है और मस्ट डाउनलोड कैसे करते हैं दोस्तों, और आप फोटो अपलोड कैसे करें दोस्तों, इसका जो आज सोल्यूशन बताने वाला, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। वीडियो को रिपीट से देखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है इसमें आप जो है सेटिंग को आप ओपन करना है। जैसे हम लोग सेटिंग में ओपन कर दिए, फिर इसमें आपको आ जाते हैं नीचे की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि ऐप्स एंड परमिशन, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि ऐप मैनेजर लिखा है। ऐप मैनेजर में आप क्लिक करना है आपको। ऐप मैनेजर में क्लिक करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि आपका जो वहाँ पास आपका मोबाइल का ऐप्स है, तो आप उस मोबाइल में आप जो है ऐप्स में नरेगा का जो है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहीं पे गड़बड़ होते हैं, जैसे कि आप ये कहीं लोकेशन का पता नहीं चलता है, कहीं कैमरा का होता है फ़ोटो खींचने का, कहीं अटेंडेंस अपलोड करने का, तो दोस्तों यहीं पे होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है स्टोरेज पे क्लिक कीजिए। स्टोरेज की क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आता है क्लियर डाटा, लाल कलर से जो लिखा है क्लियर डाटा, इसमें आप जो है क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्लिक करने के बाद आप इससे पीछे हो जाइए। पीछे हो जाने के बाद आप जो है फिर इसमें आप जो है परमिशन मांग रहा है, तब परमिशन में आपको जो है कैमरा जो है अलाउ करना है, लोकेशन को आपको अलाउ करना है, स्टोरेज ये इसे भी अलाउ करना है। ये अलाउ हो गए हैं, इसको आप जो है परमिशन बंद कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर पीछे आएंगे आप। फिर आने के बाद आपको अपने ऐप्स को जो है आपको खोलना है, ऐप्स को खोलना है। फिर से आपको जो है अपना जो है लॉगिन पासवर्ड इसमें डालना है। चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ। ये ऐसा कुछ बता रहा है अभी, इसका कारण है इसमें यूजर आईडी पासवर्ड जो है सही से डाले तभी आपका जो है हो पाएगा। इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है। ये लॉगिन हो गया, ओटीपी द्वारा जो है इसमें वेरीफाई होगा। ये हमारा जो है लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आप जो है थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद डाउनलोड मास्टर पे आप जो है क्लिक करके, डाउनलोड मास्टर इशू डाटा इसमें आप क्लिक करके, और ये से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें पूरा प्रॉब्लम A to Z प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।